सुपरस्टार राम पोथिनेनी के कैरियर की सबसे बड़ी एक्शन मूवी जिसका नाम है इस्कांडा। और इस मूवी को लेकर कई सारे बड़े खुलासे हो चुके हैं जो कि आपको चौंका देंगे। और जिस तरह से इस मूवी की रिपोर्ट निकल कर आई है वो बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार है। और ये मूवी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया भर में तहलका मचाने वाली है। और अगर बात करें इस्कांडा मूवी के फाइट सीन की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर हमें 5 खतरनाक फाइट सीन देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर हाई लेवल का एक्शन सीन हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर खतरनाक बीजीएम हमें सुनने को मिलने वाला है, जो कि सिनेमा घरों के अंदर धुआं उड़ा देगा। और खुद म्यूजिक डायरेक्टर थमन ने ये बात कही है कि ये मूवी इतनी जबरदस्त है कि हर किसी को पसंद आएगी और पैन इंडिया लेवल पर बहुत ही बड़ी सुपरहिट होने वाली है। और अगर बात करें इस्कांडा मूवी के क्लाइमेक्स सीन की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का जो क्लाइमेक्स सीन होने वाला है वो सुपरस्टार राम पोथिनेनी के कैरियर का अब तक का सबसे बेस्ट क्लाइमेक्स सीन होने वाला है। और खुद इस मूवी के डायरेक्टर बोयापति सिरिनो ने इस बात की जानकारी दी है कि उनको इस मूवी के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के लिए पूरे 24 दिन का टाइम लगा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक क्लाइमेक्स सीन होने वाला है। साथ ही साथ क्लाइमेक्स सीन के अंदर जिस तरह से हमें थमन का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलेगा, तो आप ये मान के चलो कि इस्कांडा मूवी सिनेमा घरों के अंदर आग लगा देगी, धुआं उड़ा देगी, आपके दिलों को जीत लेगी और आपको सरप्राइज भी करेगी। इसके अलावा इस्कांडा मूवी के अंदर आपको रोमांटिक सीन भी देखने को मिलने वाले हैं श्री लीला के साथ, जो कि जबरदस्त रोमांटिक सीन होंगे। इसके अलावा आपको इमोशनल सीन भी देखने को मिलने वाले हैं, यानी हर वो चीज आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी जो कि आप एक अच्छी मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आप मूवी के अंदर देखना चाहते हैं, वही चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस मूवी की टिकट बुक की या नहीं, और आप इस मूवी को हिंदी डब में सिनेमा घरों में देखने वाले हो या नहीं, या फिर रिलीज के बाद कुछ दिनों के बाद ओटीटी पर देखोगे। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साउथ की नई नई मूवी हिंदी डब में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को भी दबा देना।